हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई स्पेशल क्लास। और आज के वीडियो में हम देखेंगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए टाइगर। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं टाइगर की आत्मकथा। हाय, आई एम ए टाइगर। हाय, मैं एक टाइगर हूँ। आई वॉज बॉर्न इन दी सुंदरबंस 8 ईयर्स अगो। आई वॉज बॉर्न, मैं पैदा हुआ था। पास्ट को बताने के लिए वॉज का यूज़ करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन दी सुंदरबंस 8 ईयर्स एगो। 8 ईयर्स एगो मतलब 8 साल पहले मैं सुंदरवन में पैदा हुआ था। माई मदर लुकड आफ्टर मी वेरी वेल। मेरी माँ ने बहुत अच्छे से, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, मेरी माँ ने बहुत अच्छे से मेरी देखभाल की थी। शी एडवाइज्ड मी, उसने मुझे सलाह दी थी टू बी केयरफुल फ्रॉम हंटर्स, शिकारियों से सावधान रहने की। हंटर्स होते हैं शिकारी, जो जंगल में जाके शिकार करते हैं और एनिमल्स को पकड़ लेते हैं। हंटर्स वुड ट्राई टू कैप्चर और किल मी, जो हंटर्स हैं, जो शिकारी हैं, वो कोशिश करेंगे टू कैप्चर। कैप्चर होता है किसी को पकड़ना, बंदी बना लेना। मतलब वो देखा होगा ना आपने मूवीज़ वगैरह में, शिकारी जंगल में जाते हैं और जाल फैला के, नेट फैला के, उसमें जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। और किल मी, या फिर वो मुझे मार देंगे। आई हैव नॉट हार्म्ड एनी वन। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। आई हैव नॉट हार्म्ड एनी वन, मैंने किसी का भी नुकसान नहीं किया है, मैंने किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। आई वॉज वेरी केयरफुल आफ्टर दैट, मैं इस बारे में हमेशा सतर्क था। मतलब बहुत उसने हमेशा ध्यान रखा कि उसकी वजह से किसी का नुकसान ना हो। आई वॉज वेरी केयरफुल आफ्टर दैट, मतलब मैंने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा, मैं इसके मामले में केयरफुल था, सावधान था। आई स्टेड विथ माई मदर फॉर सम टाइम। स्टे का मतलब होता है रहना, ठहरना, रुकना। मैं कुछ समय तक अपनी माँ के साथ रहा। सम टाइम मतलब थोड़े समय के लिए, कुछ समय के लिए। आफ्टर सम टाइम, थोड़े समय के बाद, कुछ समय के बाद। आई वॉज टेकन टू ए सर्कस बाई ए मैन हु स्टोल मी फ्रॉम सुंदरबन। कुछ समय के बाद मुझे कहाँ ले जाया गया, सर्कस में लेके जाया गया एक आदमी के द्वारा, जिसने मुझे सुंदरबन के जंगल से चुराया था। स्टील की, स्टील का मतलब होता है चुराना, और ये स्टील की सेकेंड फॉर्म है V2, स्टोल, चुराया। देयर आई हैड टू गो इन टू द रिंग, वहाँ मुझे रिंग में जाना पड़ा, मतलब जो सर्कस का रिंग होता है ना, वहाँ घेरा जाना पड़ा। एंड डू सम ट्रिक्स, और वहाँ पर कुछ ट्रिक्स करनी पड़ी लोगों, इन फ्रंट ऑफ पीपल, लोगों के सामने। मतलब सर्कस में लोग क्यों जाते हैं, देखने के लिए जाते हैं ना, वहाँ पर जो जो करतब लोग करते हैं वो सब। दिस वेंट ऑन फॉर ए ईयर, और ये एक साल तक चलता रहा। देन आई बिगेन टू ग्रो ओल्ड, और फिर मैं बूढ़ा होना शुरू हो गया। देन माई ऑनर टुक मी टू ए फॉरेस्ट, तब मेरा जो मालिक था वो मुझे एक जंगल में लेके गया। एंड लेट मी फ्री, और उसने मुझे फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। बट नाउ, लेकिन अब इन दिस फॉरेस्ट आई डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, लेकिन अब इस जंगल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल साइंस स्पेशल क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।